सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमनपुर से है, जहां पर सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी 4 माह की गर्भवती थी उसकी हत्या कर दी। रिपोर्ट की गई पिता का थाने पत्र में रिपोर्ट लिखाई गई है, पिता पर मामला दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि नवापारा के बगदेही पारा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बेटी से दुष्कर्म, आपकी जगह दुष्कर्म करने की पूरी घटना है, जहां पर नाबालिग बेटी 4 माह की गर्भवती है, रिपोर्ट की गई है थाने में पिता के खिलाफ। ये सौतेला पिता है, आपको बता दें। सौतेले पिता ने किया बेटी से दुष्कर्म, इस वक्त की बड़ी खबर। अधिक जानकारी से संबंध जुड़ गए प्रवीण शाहू। प्रवीण, ये क्या था पूरा मामला? जी, आरोपी कालीराम गुप्ता उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के आरोही का रहने वाला है, जो कि पिछले 12-13 वर्षों से नगर में आकर कुल्फी बेचने का कार्य करता है। शुरुआत में उसने रहने के लिए नगर के बगदही पारा में स्थित शांति चौक में एक मकान किराए पर लिया। एक साल के भीतर आरोपी ने अपनी परित्यक्ता मकान मालकिन को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे विवाह कर लिया। मकान मालकिन ने पहले पति, 2 बच्चे और जिनमें एक लड़का और लड़की है, मकान मालकिन से विवाह करने के बाद आरोपी उन तीनों के साथ एक ही घर में रहने लगा। पिछले वर्ष आरोपी ने अपनी सौतेली 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को घर में अकेले पाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और फिर उसे धमकाया कि अगर उसने इसकी जानकारी किसी को दी तो जान से मार देगा। सौतेले पिता की धमकी से डेयरी पीड़िता ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी, इससे आरोपी के हौसले बुलंद हो गए। इसके बाद से आरोपी किसी न किसी बहाने पीड़िता की माँ और उसके भाई को घर से बाहर भेजकर लगातार पीड़िता के साथ घर पर ही दुष्कर्म करने लगा। इस वर्ष आरोपी पीड़िता उसके भाई और उसकी माँ को लेकर उत्तर प्रदेश स्थित अपने घर भी ले गया, वहां भी उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करना जारी रखा। लगातार दुष्कर्म के चलते पीड़िता को 4 महीने का गर्भ ठहर गया। इस बात की जानकारी होने पर आरोपी 10 दिन पूर्व तीनों को यहाँ छोड़कर अकेला वापिस चला गया। आरोपी के जाने के बाद पीड़िता अपनी माँ को सच्चाई बताने का साहस जुटाने लगी। आखिरकार रविवार सुबह उसने अपनी माँ और बड़े भाई को पूरी सच्चाई बता दी, जिसके बाद दोपहर 4 बजे पीड़िता अपनी माँ और भाई सौतेले पिता के विरुद्ध अभी तक तो पिता की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यहाँ रिपोर्ट दर्ज के दौरान पीड़िता को कुछ बेचैनी हुई तो वहाँ थाना परिसर में ही थाना भवन के पीछे जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद वहीं पर पीड़िता का गर्भपात हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी अमित तिवारी ने सरकारी डॉक्टर को बुलाकर जिसकी देखरेख में पीड़िता को नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहाँ उसकी इलाज जारी है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता के विरुद्ध धारा 376 5.6 की धारा 4(6) के तहत अपराध दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रवीण आपका। नमस्कार, स्वराज तक में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ दीपक।